दोस्तों, यूक्रेन के युद्ध शुरू होते ही भारत के यूक्रेन गए छात्रों के परिजन काफी चिंतित हो गए हैं। वो यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह उनके कलेजे के टुकड़े भारत वापस आ जाए। हालांकि कुछ छात्र भारत वापस आ गए हैं, जबकि अभी भी हजारों छात्र वहां फंसे हुए हैं, जो भारत सरकार से वापस वतन लाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं यूक्रेन से वापस भारत लौटने मेरठ के छात्र आधार रस्तोगी ने वहां के हालात बयां किए। मेरठ के आदर्श नगर के रहने वाले युवक आधार रस्तोगी 2 दिसंबर को यूक्रेन की इवानो फ्लेक्स क्विक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ओबलसटा में MBBS की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से वे वापस आ गए। तो फिर ज्यादा न्यूज का तो हमें पता नहीं रहता, जो पता रहता था वो यहाँ से घर पे बात होती थी एक दो बात। वहाँ पे थोड़ा कोवर्ट सा रहता था, क्योंकि हम सीख ही रहे हैं, वहीं गए हैं, वहाँ की लैंग्वेज यूक्रेन हम सीखे रहे इतना भी नहीं, बस थोड़ा बहुत ही सीखा भी। अब क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन मोड पे। मतलब वहाँ पे ईस्टर्न साइड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहता था कि खार्की में कि वहाँ पे अटैक्स वहाँ पे हो रहा है कुछ शुरू, वहाँ पे रशिया और उसके बीच में यूक्रेन के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन वेस्टर्न साइड में कोई ज़्यादा इतना कुछ वो नहीं था। अच्छा, इंडियन एम्बेसी से क्या सहूलियत मिली आपको वहाँ पे? इंडियन एम्बेसी के थ्रू उन्होंने कहा था कि पहले तो ईस्टर्न साइड के लिए कहा गया था कि वहाँ पे जैसे शुरू हो रहा है तो वहाँ से आप लोग अपना कंट्री वापस लौट जाए, आ गए थे। फिर थोड़ा थोड़ा करके जैसे जब पता चला कि वहाँ के कुछ स्टेट्स को अलग कंट्रीज बना दिया गया, क्या फिर कह दिया गया था, मैं आ गए थे कि आप अपने कंट्री लौट जाइए, और फिर टिकट ये ज़्यादा अच्छा हुआ, नहीं तो बाकी जो नेक्स्ट डे वाले बच्चे थे वो नहीं आ पाए, वो सब कीव में ही फंस गए। तो बच्चे ने कुछ ऐसा पल वहाँ का कुछ बताया आपको, कैसी कंडीशन थी वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे कंडीशंस तो जब तक ये आया वहाँ इतना नहीं था गड़बड़, लेकिन इसके आने के बाद वो फ्लाइट बंद हो गई, तो नेक्स्ट डे से ही सारा कीव एयरपोर्ट इन्होंने बंद कर दिया। जब इन्होंने इमरजेंसी लागू करके तो उन्होंने कीव एयरपोर्ट बंद कर दिया था, और लाइट वगैरह बताते हैं सब बंद कर दी थी। इंडियन एम्बेसी इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट ने तो एडवाइजरी जारी कर दी थी बहुत पहले ही इन बच्चों के लिए, तो उसमें बस ये था कि ऑनलाइन क्लास हो जाए तो बच्चा आ जाएगा। लेकिन अभी भी मोदी जी जैसे लोग गवर्नमेंट के और हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो अभी भी उन लोग के टच में हैं और बात कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को सबको ठीक ठाक निकाल लाएंगे ये लोग। और मैं कहता हूँ ऐसे PM हर एक को मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।